पिछले के दरवाजे से पिछले दरवाजे से उनको एडमिशन दिलाया है, उसके आधार पर मैंने आरोप लगाया और ये मेरा अधिकार है। गुरु चेला की दोनों की स्थिति ऐसी है, जैसे गुरु वैसे चेला, और राजनीति में ठेलम ठेला। न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सम्मान है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिग्विजय सिंह द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर व्यापक मामले आरोप लगाने के बाद दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। वहीं अब इस मामले में दिग्विजय सिंह पर आरोप तय हो गए हैं। पूर्व सीएम आईपीसी की धारा 500 के तहत घिर गए हैं। ये वही धारा है जिसके तहत राहुल गांधी घिरे थे। वहीं इसको लेकर प्रदेश की सियासत भी गहमाने लगी है। भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट में बताया था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा व्यापम घोटाले में बिचौली का काम किया गया है। वीडी शर्मा ने कहा था कि दिग्विजय सिंह के इस बयान को आम लोगों के द्वारा पढ़ा सुना गया है, जिससे उनकी छवि आम लोगों में धूमिल हुई है, जिससे व्यतीत होकर उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर किया। गुरु चेला की दोनों की स्थिति ऐसी है, जैसे गुरु वैसे चेला, और राजनीति में ठेलम ठेला। न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सम्मान है। जब एक ही तरह की धारा है तो हमारी मान्यता तो ऐसा, जब वहाँ की अदालत ने जो निर्णय दिया है वैसा ही यहाँ की अदालत देगी, ऐसी मेरी निजी राय है। पर न्यायपालिका का पूरा सम्मान है जो निर्णय करें। इतना तो तय हो गया कि हानिकारक है ये व्यक्ति, और ये व्यक्ति जो है ना, अभी तक तो हम ये सोचते थे कि ये वायरस, लोग कहते हैं आईएसआई से आया है या कहीं और से आया है, पर कोरोना का वायरस तो चीन से आया था और उस हिसाब से भी ये हानिकारक ही है। खुद को कोरोना साबित कर दिया है इन्होंने। इनको ये नहीं मालूम था कि ये भाजपा के लोगों ने, माननीय मोदी जी ने वो वैक्सीन बनाई है जिससे कोरोना का वायरस लगभग मृतप्राय हो जाता है, और इसलिए वैक्सीन भी हम ही लोगों के पास है, आप चिंता ना करो। धार वाले मामले में क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या आरोप पकड़ा है कोई? आरोपी को रात को 10-11 की दरमियान रात में पुलिस ने घेर कर एनकाउंटर किया, उसने पुलिस पर गोली चलाई थी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोली मारी है, उसके पैर में लगी है, अस्पताल में वो भर्ती है, गिरफ्तारी हो गई है और अभी बाकी की कार्रवाई उसके अतिक्रमण वाली की जा रही है। बालाघाट में नक्सली मूवमेंट को लेकर देखो, दो प्रदेश की सरकारें आपके सामने हैं। दो दिन तीन दिन पहले का मध्य प्रदेश का है और कल का छत्तीसगढ़ का है, और दो सरकारें हैं, एक मध्य प्रदेश की है एक छत्तीसगढ़ की है। दो पार्टियां, एक कांग्रेस है एक भाजपा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ नक्सली हमला कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ पुलिस हमला कर रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए के नक्सली एक साल के अंदर 8 बड़े बड़े नक्सली मध्य प्रदेश की पुलिस ने मार गिराए, हॉक फोर्स ने मार गिराए। पुलिस को बधाई, हमारी हॉक फोर्स को बधाई। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, शिवराज सिंह जी की सरकार है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो असंवैधानिक गतिविधि करता है, शांति भंग करता है, माफिया राज स्थापित करता है, नक्सली राज स्थापित करता है, वो मध्य प्रदेश में पनप नहीं सकता है, जड़ से उखाड़ दिया जाए। व्यापम और डीमैट की परीक्षा में जो मेरे पास जानकारी थी, आज तक की रिपोर्ट है, वायर में रिपोर्ट है, जिसमें बीडी शर्मा का नाम है कि इन्होंने डीमैट के अंदर अपने लोगों को पिछले दरवाजे से उनको एडमिशन दिलाया है, उसके आधार पर मैंने आरोप लगाया और ये मेरा अधिकार है, क्योंकि जब जांच उसकी हो रही है, अगर मेरे पास कोई जानकारी आती तो मुझे अधिकार है। अब
वो जब मुझे राष्ट्रद्रोही कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के खून में अंग्रेजों का खून, रगों में अंग्रेजों का खून बह रहा है, क्या इस बात को आप क्या मानेंगे? अब उनको भी मुझे कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह कोई बात कहता है तो बिना सोचे समझे नहीं कहता है। पुलवामा के अंदर मैंने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने, इसके इंटेलिजेंस फेलियर है, तब पूरी भाजपा मेरे खिलाफ खड़ी हो गई थी, पाकिस्तानी है, ये है, वो है, झूठे आरोप लगा रहे हैं, देशद्रोही है। अब मैं क्या कहा, वही बात तो उन्हीं के द्वारा नियुक्त गवर्नर साहब कह रहे हैं, एक्स गवर्नर, कि पुलवामा की घटना की जो दुर्घटना हुई उसने पूरी जवाबदारी जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार क्या कर रही थी? सरकार जंगल में फिल्म शूटिंग कर रही थी और उनसे कहा गया कि चुप रहो, बोलो मत, अडानी जी की बात कहते हैं तो चुप रहो, पुलवामा की बात कहें चुप रहो। ये चुप रहो, किसी लोकतंत्र में चुप रहने की प्रक्रिया तो केवल एक तंत्र डिक्टेटर करता है, लोकतंत्र में तो इसका उपयोग नहीं होता। राहुल जी ने अडानी जी के ऊपर, अडानी जी की कंपनी के ऊपर बहुत सारे जानकारी मांगी, आधार पर मांगी। जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई जिसमें कि आप लोगों ने पता नहीं कितने अडानी का शेयर खरीदा हो, तो जो शेयर 4000 का था गिर के 1100 रुपए का रह गया, इसका जवाब सरकार को नहीं देना चाहिए क्या? सरकार से पूछने का अधिकार विपक्ष का नहीं है?